हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले एक मिनी इन्वर्टर, और फ्रेंड्स ये एकदम 100 वर्केबल है, आप जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में। और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके लॉसेज हैं, और ये आपको कितने रुपये का पड़ेगा, मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दी है। तो वीडियो को बिना स्किप करें आप एंड तक ज़रूर देखना फ्रेंड्स। साथ ही मैं उन दोस्तों से भी कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, साथ में आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूं, इसका जो जो भी हमारे यूजेस होंगे कि मैं आपको इसका पूरी कॉस्ट हर चीज़ मैं आपको इसमें प्रोवाइड कराऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं फिर अपने प्रोजेक्ट पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक कार्डबोर्ड लेना है बेस के लिए, और बेस के बाद हमें एक 13,007 का एक हमें ट्रांजिस्टर लेना है, और इसकी हमें दो क्वांटिटी रखनी है। ये कहाँ से मिलेगा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, आप कहाँ से इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। हमें एक एल्युमिनियम की पत्ती और लेनी होगी, आप हीट सिंक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एल्युमिनियम की पत्ती ली है हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, हमने इसे एडजस्ट कर दिया है। 330 ओम के हमने दो रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं, हमें इसमें कनेक्ट कर देंगे जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है आपको। फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही आपको कनेक्ट करने हैं, और जैसे आपने पहला देखा है ऐसे ही आपको दूसरा भी रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट करना होगा। सेकंड लेग और फर्स्ट लेग में आपको इसमें आपस में टच कर देना है। ये फ्रेंड्स आपके दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए हैं। अब एक जंपर वायर लेना है, ये जंपर वायर आपके दोनों ट्रांजिस्टर की जो लास्ट वाली लेग है इन्हें आपस में शॉर्ट करने के लिए मैंने इसे यूज़ किया है। आपको इसी तरीके से आपको इसे भी आपस में कनेक्ट कर देना है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको एक 12012 का आपको 3 एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर लेना है, आप 1 एम्पियर का भी ले सकते हैं। और ये किस तरीके से काम करेगा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इसके जो दो रेड वायर हैं इसमें से हमें आउटपुट मिलेगा, और जो ये हमारी दो येलो और 1 ब्लू है इसमें हमें इसे सर्किट में कनेक्ट करना होगा, और हमें इसे 12 वोल्ट की सप्लाई देनी होगी बैटरी की, जिससे ये हमें 220 की वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा फ्रेंड्स। तो पहले मैं इसे कार्डबोर्ड पर एडजस्ट कर देता हूँ जिससे वायर इधर उधर हिलेगा नहीं, और आप फ्रेंड्स इसे अच्छे से साइंस प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं अपने, और अपने घर के में भी पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको इसके कनेक्शन बता देता हूँ कि कैसे कैसे करना है। जो हमारा ब्लू वाला वायर है ये हमारा 0 है, और बाकी दोनों येलो हमारे 12 वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं। तो हमें पहले 12 जो हमारे येलो वाले तार हैं हमें आपस में कनेक्ट करने होंगे, और इन्हें कनेक्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो दोनों ट्रांजिस्टर की मिडिल वाली लैग है इन दोनों में एक एक तार आपस में कनेक्ट कर देना है। मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ पहले फ्रेंड्स। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों पीले तार आपस में कनेक्ट हो गए हैं बीच वाली मिडिल वाली लेग में। अब हमें क्या लेना है, अब हमें एक फीमेल जैक लेना है 12 वोल्ट के लिए। मेरे पास था इसलिए मैंने यूज़ किया, आपका नहीं होगा तो आप मत यूज़ करना, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ इस प्रोजेक्ट में मैं एक SPST स्विच भी यूज़ कर रहा हूँ। आपके घर में जो नॉर्मली स्विच बोर्ड में भी होगा तो आप वो वाला भी स्विच इसमें यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये वाला था इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब आपको एक वायर लेना है, क्योंकि हमें इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी बनाना होगा। जो हमने वायर हमने शॉर्ट करी थी दोनों लास्ट वाली लेग, उसी वायर में हमें ये वाला रेड वाला वायर कनेक्ट करके फीमेल जैक में कनेक्ट करना है, और जो हमारा ब्लू वाला है इसे भी हमें इसी में कनेक्ट करना होगा। ब्लू वाला हमारा पॉजिटिव है और रेड वाला हमारा नेगेटिव है फ्रेंड्स। अब हमें एक पावर सॉकेट लेना होगा 220 के लिए, तो हमें अपने जो ट्रांसफार्मर के दोनों रेड वायर हैं हमें इसमें कनेक्ट करना होगा स्विच के साथ। फ्रेंड्स, आपको मैं इस चीज़ की जानकारी और दे देता हूँ कि आपको फ्रेंड्स जो हमने इस प्रोजेक्ट में जो हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया और जो रेजिस्टेंस यूज़ करे हैं वो हमें हमारी जो ख़राब LED बल्ब हो जाते हैं हमने उसमें से इसे यूज़ करा है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं होते हैं, हमारे बल्ब ख़राब हो जाते हैं, उसकी जो LED लाइटें होती है वो ख़राब हो जाती है, तो इसमें से आप इसे ईजिली निकाल सकते हैं। साथ ही मैं ट्रांसफार्मर का बता देता हूँ, जो आपके पास जो सेटअप बॉक्स के जो अडेप्टर होते हैं आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप बाहर से परचेज़ कर सकते हैं 100 रुपये का।
अभी मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ के लिए, और हमने एक मेल जैक भी लिया है मैंने। इसी के साथ फ्रेंड्स अब मैंने एक होल्डर भी यूज़ किया है, बल्ब वाला होल्डर, और साथ ही एक एलईडी लाइट भी ली है जो 9 वोल्ट की है। अब मैं आपको इसमें टेस्टिंग करके बता देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मैं टेस्टिंग करता हूँ, देखिए ये वर्किंग कर रहा है, 100% वर्किंग करेगा। आप इसका बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप ऐसी सर्किट बनाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ इसमें, कि इसका जो भी कंपोनेंट है अगर आप इसे बाहर से ही परचेज़ करते हैं तो टोटली आपका 150 के करीब आपको खर्चा आएगा, बट फिर भी 150 रुपये के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी चीपेस्ट है और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। आप इससे 3-4 बल्ब आराम से जला सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं मोबाइल की एमरजेंसी में जब घर में लाइट ना हो, और इसका बैकअप तब भी काफ़ी अच्छा है अगर आप 12 वोल्ट की अच्छी सी बैटरी ले लेते हैं तो। UPS की जो बैटरी होती है काफ़ी अच्छे वर्क करती है इसके साथ फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।